हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड, नाइस। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ इन दिस सीरीज मैंने 56 तक के वीडियोस सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, पहले सारे वीडियोस देख लीजिए। क्लास 6 के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, इसके अंदर मैंने चैप्टर 1 के जो है सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी। और अगर आपने देख लिए तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 7। एक्टिविटी नंबर जो 7 है वो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसको मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला भी हूँ। तो यहाँ पे हमें एक पोएम दिया हुआ है, उस वो पोएम कलर से बेस्ड है, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द मिक्सिंग ऑफ कलर्स। कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें एक नया ही कलर वहाँ पे मिलता है, उसी से रिलेटेड ये पोएम है। और उस पोएम का जो टाइटल है वो है पेंट्स और बाय इलो ऑरलेंस। तो उस इलो ऑरलेंस की पोएम है, ठीक है। तो मैं पहले पोएम रीड कर देता हूँ, फिर आपको एक्टिविटी भी साथ में समझा देता हूँ, ठीक है। तो पोएम कुछ इस तरह से, व्हेन आई पुट येलो पेंट ऑन रेड द कलर चेंजेस टू ऑरेंज इंस्टेंट। जब मैं येलो कलर को रेड के ऊपर रखता हूँ या रेड के साथ मिक्स करता हूँ, वो चेंज जाता है किसमें, ऑरेंज में, ठीक है। एंड मिक्सिंग ब्लू एंड रेड आई गेट अ प्रीटी शेड ऑफ वायलेट। और जब मैं रेड और ब्लू को मिक्स करता हूँ तो मुझे एक शेड मिलता है, वो मिलता है किसका, वायलेट का। अनदर ट्रिक दैट आई हैव सीन, एक और ट्रिक जो मैंने देखी वो क्या है, येलो एंड ब्लू टर्न्स इनटू ग्रीन। और येलो और ब्लू जो है वो टर्न हो जाते हैं किसमें, ग्रीन कलर में। देयर इज अ मैजिक व्हेन माय कलर मिक्स, इट्स फन टू वॉच देम डूइंग द ट्रिक्स। और जब मैं कलर्स में मिक्स करता हूँ उसके अंदर एक मैजिक होता है और मुझे देखने में बड़ा मजा ही आता है, ठीक है। यहाँ पे तो पोएम में हमें पता चल गया कि कलर्स को मिक्स करेंगे तो कौन से कलर को मिक्स करने से क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कलर में एक्चुअल में कैसे मिक्स होता है, ठीक है। मैं आपको कलर के साथ मिक्स करके बता देता हूँ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि रेड कलर ले लेना है एक वाइट पेपर में, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा रेड कलर जो भी रहता है हमारे पास। मैंने तो ये जैसे सारे कलर्स का बॉक्स परचेज कर लिया है, अगर आपके पास है तो आप वही यूज़ कर लीजिए, और नया लाना चाहते हैं तो आप नया लेके आ सकते हैं, ठीक है। रेड कलर ले लेने के बाद हम उसके अंदर क्या करेंगे कि दूसरा कलर जो है वो येल्लो, थोड़ा सा येल्लो हमको वहाँ पे उसके साथ मिक्स कर देना है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि ब्रश को वॉश नहीं किया, उसके बाद मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, मेरी बॉटल में थोड़ा सा येल्लो कलर येल्लो के साथ रेड बॉटल के अंदर ही मिक्स हो गया। आप ऐसा मत करना, जब भी आप नया कलर निकालते हैं तो एक बार हमको उसको वॉश कर लेना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है ताकि हमारे कलर्स उसमें ख़राब नहीं होते। अब हम क्या करेंगे कि येल्लो और रेड को दोनों को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा इसका कलर ऑरेंज होने लगा है, और जैसे जैसे मैं इसको कम्प्लीटली मिक्स करता जाता हूँ ये पूरी तरह से ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अब ऑरेंज कलर मिल गया। थोड़ा सा लिखने की ट्राई कर रहा हूँ ब्रश से, मुझे मज़ा आता है ऐसा लिखने में ब्रश से। यूजुअली हम लोग पेन से लिखते हैं, बट पेंटिंग वाले ब्रश से भी हम लोग कभी ट्राई करें तो इट्स फन, राइट। येल्लो प्लस ऑरेंज, सॉरी येल्लो प्लस रेड गिव्स यू ऑरेंज, ठीक है। यही हमारा पोएम के अंदर फर्स्ट कलर था मिक्सिंग के लिए। सेकंड वाला हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे, सेकंड कलर भी अपने को दो कलर जो पोएम में हमें दिए हुए हैं वो मिक्स करके हमें चेक करना है कि सच में हमें उस तरह का कलर मिलता है या नहीं। तो उसके लिए मैं जो फर्स्ट कलर लूँगा वो यहाँ पे मैं लूँगा ब्लू कलर। ब्लू कलर का एक ड्रॉप लेके मैं थोड़ा सा पेपर पे उसको पहले रखूँगा। तो कलर लेने से पहले क्या है कि उसको थोड़ा सा अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा सोल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको एक ड्रॉप ले लेंगे, या जितना अगर आप थोड़ा लेना चाहें तो थोड़ा भी ले सकते हैं उसको। और लेने के बाद ब्रश को वॉश करना नहीं भूलना है, राइट स्टूडेंट, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे बाकी कलर है वो ख़राब हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है कौन सा, ब्लू, राइट। फर्स्ट कलर मेरा है यहाँ पे ब्लू। ब्लू के साथ मुझे दूसरा कलर मिक्स करना है और वो है रेड, ठीक है। अब मैं उसके अंदर क्या करता हूँ कि रेड कलर को ऐड कर देता हूँ या मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा सा एक ड्रॉप जैसा रेड कलर में उसके अंदर लेके और मिक्स कर दूंगा। तो ब्लू और रेड दोनों मिक्स जब करेंगे तो हमें पर्पल या वायलेट बोल सकते हैं वो हमें कलर मिलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ड्रॉप में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि कलर हमें पर्पल या वायलेट जो बोलते हैं वो मिलता है या नहीं। मैंने ले लिया है क्या, रेड कलर।
ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ इसको अभी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे रेड कलर ज़्यादा हो गया है, इसलिए क्या है कि थोड़ा डार्क रेड जैसा शेड आ रहा है। मुझे लग तो ऐसा रहा है कि रेड हो गया है ज़्यादा। हाँ एक्चुअल में हो ही गया है, तो फिर भी ट्राई करता हूँ मैं अगर आपको वायलेट कलर दिखा सकूँ। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्लू मिला देता हूँ क्योंकि रेड जो एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ब्लू मिला दिया है। अब इसको मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मुझे वायलेट कलर का शेड मिल जाए। अब लग रहा है कि रेड कम हो गया है, अब ज़्यादा हो गया रेड। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा डिसबैलेंस हो गया था ब्लू और रेड, बट आप अगर करें तो दोनों को अलग अलग ही ले लीजिए पहले एक एक ड्रॉप, उसका थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए, तो क्या है कि वो एक सेकंड में जितना रिक्वायर है उतना शेड हमें मिल सके। फाइनली अब मेरे पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा शेड आ रहा है वायलेट का, एक साइड मेरा ब्लू ज़्यादा हो गया था, एक साइड मेरा रेड ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे फाइनली अब मेरे पास वायलेट कलर का शेड डेवलप हो गया है पेपर पे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये हमारा जो सेकंड कलर था वो मिक्स हमने कर लिया। थर्ड वाला कलर मिक्सिंग हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर हमें लेना है सबसे पहले येलो कलर। येलो को बॉटल में थोड़ा सा मिक्स करके एक ड्रॉप येलो कलर का आप ले लो पेपर पे, जैसे मैंने लिया है यहाँ, और उसके बाद उसके अंदर हम लोगों को मिक्स करना है दूसरा कलर। येलो मैंने ले लिया है, यहाँ पे मिक्स करूँगा ब्लू, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा कलर मिलना चाहिए, ग्रीन कलर मिलना चाहिए। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो यार एक ब्लू कलर नीचे भी है लाइक वाला, वो भी दबा दीजिए यार अगर नहीं दबाया तो, वो जैसे आप दबाएंगे वो वाइट से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लाइक का है ब्लू कलर। अब यहाँ पर मैं इसको दोनों को मिक्स कर देता हूँ येलो प्लस ब्लू, देखता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर मिलता है या नहीं। ये शेड तो डेवलप होने लगा है ग्रीन का धीरे धीरे, और थोड़ा इसको मिक्स कर देता हूँ और ये एकदम अच्छा सा ग्रीन शेड मेरा यहाँ पे डेवलप हो गया है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, इस तरह से हम लोग कलर मिक्स करते हैं तो हमें दो कलर को मिक्स करते हैं तो हमें एक नया कलर मिलता है, एंड इट इज़ फन टू डू इट। आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई अगर आपने किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एक्टिविटी कैसा लगा, आपने जब किया तो इस तरह के कलर आपको मिले या नहीं, और आपको मजा आया या नहीं। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने, जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्टिविटी में जब हमने येल्लो और रेड को मिक्स किया था तो हमें कौन सा कलर मिला था, ऑरेंज, राइट, दिख रहा है यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था, एकदम क्लियर हो जाता है पॉइंट में। फिर जो सेकंड वाला उसके अंदर किया था ब्लू प्लस रेड हमने किया था, तो उसके अंदर हमें कौन सा कलर मिला था, वायलेट। वायलेट का थोड़ा शेड मतलब मुझे लास्ट में मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा रेड कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कभी कभी थोड़ा अगर कलर पहले कम ज़्यादा होता है तो शेड थोड़ा चेंज आता है। और थर्ड वाला जो था येल्लो प्लस ब्लू जब हमने मिक्स किया था तो हमें ग्रीन कलर मिला था, राइट। तो एज पर दी पोएम ये सारे ही हम लोगों ने करके देख लिए, येलो ऑरेंज की जो पोएम, येलो प्लस रेड को मिक्स किया, ब्लू प्लस रेड को किया, येलो ब्लू को किया, और हमें अलग अलग कलर मिल गया। तो और अगर आप चाहें तो इस एक्टिविटी को घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, पसंद आया, मजा आया, मजा आ गया तो यार लाइक कर दो वीडियो को, यार लाइक करते हैं तो मुझे भी मजा आता है। ठीक है, मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल। ठीक है, एक्टिविटी 8 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, 9 मैंने कर दिया है, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आपको क्या कौन से वीडियो देखने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपके लिए और नए नए वीडियोज अपलोड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोगों को आज मजा आया है एक एक्टिविटी में करने के लिए, करके ये मैंने भी फर्स्ट टाइम किया एक्टिविटी। ओके देन, गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।